शाम इस अवार्ड समारोह में सितारों का जलवा देखने लायक था। महाराष्ट्र शासन के साथ आजादी के अमृत महोत्सव में आयोजित इस समारोह को प्रेजेंट किया विमल इलायची ने और को पावर किया बोश जर्मन होम अप्लायंस मिस्टर मखाना और एमवे न्यूट्रीलाइट ने कार्यक्रम की धमाकेदार शुरुआत हुई रणवीर सिंह के गजाना और मल्हारी जैसे गानों की जोरदार परफॉर्मेंस से। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि कल्वरल अफेयर्स मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार और महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस के संबोधन के बाद रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर ने मेजबानी की जिम्मेदारी संभाली। इन दोनों अभिनेताओं की रियल लाइफ दोस्ती मंच पर भी नजर आई। उनके को होस्ट के रूप में अभिनेता मनीष पॉल ने भी खूब साथ दिया। पुरस्कारों का सेहरा बंधा ओटीटी की फिल्मों के सिर। पुरस्कारों की बात करें तो इस साल पुरस्कारों का सेहरा बंधा ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों के सिर। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह 83 और कृति सेनन मिमिक बेस्ट एक्ट्रेस रही। वहीं बेस्ट एक्टर क्रिटिक के तहत विकी कौशल को सरदार उधम के लिए तो बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक के लिए विद्या बालन शेरनी को अवार्ड मिला। बेस्ट फिल्म के रूप में शेरशाह तो बेस्ट फिल्म क्रिटिक के रूप में सरदार उधम का नाम चमका। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के अंतर्गत मशहूर अभिनेत्री सीमा पाहवा को जब राम प्रसाद की हवेली के लिए पुरस्कार मिला तो उनके साथ काम कर चुके सभी स्टार्स ने खूब तालियां बजाई। इंडस्ट्री के शोमैन कहे जाने वाले फिल्मकार सुभाष घई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेते हुए जज्बाती हुए बिना नहीं रह पाए। अपने अवार्ड को मंच पर स्वीकार करते हुए अभिनेता रणवीर सिंह भी बेहद भावुक हो गए और उस वक्त दर्शकों के साथ सितारे भी चकित हुए बिना नहीं रहे जब स्टेज पर कूल अवतार में दीपिका पादुकोण ने एंट्री मारी। क्रिटिक्स चॉइस के अंतर्गत बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेते हुए विकी कौशल काफी खुश नजर आ रहे थे। उनकी हौसला अफजाई करने के लिए पत्नी कैटरीना कैफ सहित उनका पूरा परिवार मौजूद था। धमाकेदार परफॉर्मेंसेज का जलवा 67वें वुल्फ 777 न्यूज फिल्मफेयर अवार्ड से 2022 का मुख्य आकर्षण रहे। सितारों की थिरका देने वाले परफॉर्मेंसेज बेस्ट एक्टर विजेता और इवेंट की होस्टिंग करने वाले रणवीर के एनर्जी भरे डांस मूव्स के बाद सेक्सी दिशा पाटनी ने तेरी गलियां जैसे कई गानों पर ग्लैमर विकी का तड़का लगाया तो अंतार गानों के साथ कियारा ने दुमके लगाकर ऑडियंस को नचाया पर कियारा आडवाणी ने ठुमके लगाते हुए ऑडियंस को भी नचाया और जब स्टेज पर वरुण धवन आए तो उनके फेमस टंटना टन 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 तारा तम्मा तम्मा तेरा ध्यान किधर है जैसे सॉन्ग्स पर हर कोई थिरकने लगा। अवार्ड समारोह में सितारे मस्ती और जश्न के मूड में नजर आए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने वाले रणवीर सिंह ने विकी कौशल की तारीफ करते हुए कहा हम दोनों अवार्ड ही नहीं बल्कि बीवियों के मामले में भी लकी हैं। लोग हमारे बारे में कहते हैं कि इनकी बीवियां तो इनकी औकात से बाहर मस्ती धमाल और एंटरटेनमेंट का तगड़ा डोज हैं। उन्होंने दीपिका को अपने घर की लक्ष्मी कहा। रणवीर सिंह ने जब अपने दोस्त अर्जुन कपूर से पप्पी मांगी तो अर्जुन ऑडियंस में बैठी मलाइका अरोड़ा की तरफ इशारा करते हुए बोले यार मलाइका बुरा मान जाएगी। शेरशाह के रूप में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार लेने आए फिल्मकार करण जौहर ने फिल्म की पूरी टीम को स्टेज पर आमंत्रित किया और जब कियारा स्टेज पर आए तो उन्होंने चुटकी लेते हुए पूछा आज तो तुम किसी को काफी मिस कर रही होगी तो कियारा शर्माते हुए बोली बिल्कुल। करण और कियारा का इशारा शेरशाह के हीरो सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरफ था। अपनी माँ और पत्नी नताशा के साथ आए वरुण धवन को लेकर भी होस्ट ने काफी मस्ती